यूपी के बुलंदशहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20 से बढ़कर अब 23 हो गई है। यानी आज जिला महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट समेत 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला है। इन तीनों मरीजों को खुर्जा के L1 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज किया जाएगा। जबकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के परिवारों को भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जा रहा है। कल देर रात 36 लोगों के सैंपल की आई रिपोर्ट में से 3 कोरोना संक्रमित मिले और 33 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें से 2 पॉजिटिव मरीज शिकारपुर के दिवंगत डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद संक्रमित हुए, जबकि 1 जिला महिला अस्पताल के फार्मासिस्ट को कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने आगे की कार्यवाही करते हुए बुलंदशहर के जिला महिला अस्पताल और राधानगर को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है और पूरा इलाका सैनिटाइज कराया जा रहा है। बुलंदशहर में अब तक 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 कोरोना पॉजिटिव प्राइवेट डॉक्टर की मौत हो चुकी है। अब तक उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1176 तक पहुंच गई है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 18,601 हो चुकी है। लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि 590 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।